उत्तर प्रदेश की तरह ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में जिन लोगों ने भी सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया था उसके खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। उन सभी अवैध अतिक्रमण को हटाने की कोशिशें शुरू की गई हैं। तस्वीरें हम लगातार अब आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है वो अवैध निर्माण जो सरकारी जमीन पर किया गया था। और ये एक तरह से बहुत बड़ा संदेश है मोहन यादव सरकार का कि अगर अवैध तरीके से कब्जा किया जाएगा सरकारी जमीनों पर फिर एक्शन कैसे होगा। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, उज्जैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां ये बताया जा रहा है ये सरकारी जमीन थी और यहां पर अतिक्रमण कर लिया गया था, इसी को हटाने की मुहिम शुरू हुई। और एक दो नहीं बल्कि शहर में दर्जनों इस तरीके के अवैध अतिक्रमण के मामले सामने आए जहां पर मकानों को बना लिया गया और अब इन अवैध मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और इसी दौरान आप देख रहे हैं भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई ताकि हंगामा ना किया जाए, वो लोग जिनके ये घर हैं जिन्होंने अवैध तरीके से बनाए हैं वो कहीं हंगामा ना करना शुरू कर दे। ये इस वक्त आपको बता दें बड़ा एक्शन उज्जैन में देखने को मिल रहा है। इसमें कुछ नगर निगम स्वामित्व की भूमि है, कुछ सरकारी कब्रिस्तान शासकीय भूमि है जिस पे लोगों ने अवैध अतिक्रमण बनाकर रखा हुआ है जिसमें उनका नक्शा भी पास नहीं है और जो नक्शा में कागजात दिखाए जा रहे हैं वो दूसरे सर्वे नंबर के हैं और बैठे इलीगल तरीके से दूसरे सर्वे नंबर पर हैं जो शासकीय प्रकृति की है। 90 करीब स्थायी और अस्थायी संरचनाएं थी जिसमें से 60 करीब हम लोगों ने हटा दी हैं। ये जो कार्रवाई की जा रही है ये कब्रिस्तान की शासकीय भूमि है जिस पे अवैध अतिक्रमण कर लिए गए थे। यहाँ लगभग 51 मकान हैं जो अवैध बने हुए हैं तो उन्हीं सभी को गिराने की कार्रवाई में हम लोग प्रशासन का सहयोग करने के लिए नगर निगम यहाँ पर है, पूरी मशीनरी नगर निगम की पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है। ये अतिक्रमण विरोधी मुहिम है, इसमें हम लोग जो बड़े स्तर का अतिक्रमण हटाया जा रहा है इसमें पुलिस व्यवस्था लगी हुई है ताकि कहीं कोई कानून व्यवस्था की स्थिति या आपत्तिजनक अगर स्थिति बनती है तो उसको हम प्रिवेंट कर पाए। और एक और बड़ी खबर आ रही है नोएडा के सेक्टर 27 के एक ऐसे स्कूल से जहां 3 साल की मासूम के साथ डिजिटल रेप की घटना हुई है। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात कि साक्ष्य को छुपाने के लिए 3 नहीं बल्कि 4 लोग लगे थे, मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों से लगातार पूछताछ चल रही है। तो जो ये अभिभावक हैं यहाँ पर जुड़े हुए, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं नोएडा के स्कूल में डिजिटल रेप की घटना हुई है और निजी स्कूल में घिनौनी हरकत हुई है, जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं काफी परेशान है कि हो क्या रहा है और स्कूल में बच्चे क्या सुरक्षित नहीं है, एक बड़ा सवाल यहाँ पर सामने आता है। तो नोएडा के निजी स्कूल में घिनौनी हरकत हुई है, सेक्टर 27 का मामला है और इसके बाद जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके परिजन उनके अभिभावक स्कूल के बाहर आपस में बात कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको तस्वीरों के जरिए दे रहे हैं। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी लोमस का जो जुड़ रहा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। लोमस, पहले तो 3 साल के बच्चे के साथ डिजिटल रेप, उसके बाद उसको छिपाने का प्रयास, लेकिन जो गुस्सा है लोगों का फूट रहा है, क्या जानकारी, कैसे हालात देख रहे हैं आप ग्राउंड जीरो पर? बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से आपने देखा कि ये पूरे हालात काफी बिगड़े हुए हैं क्योंकि अभिभावक काफी गुस्से में हैं। इस तरह की घिनौनी हरकत स्कूल में हुई है, 3 साल की बच्ची के साथ घिनौनी हरकत हुई है और उसके बाद यहाँ पर स्कूल में कई हजारों की संख्या में अभिभावक पहुंचते हैं और उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर अभिभावक के साथ यहाँ पे वार्तालाप की जाती है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनको इस बात की सूचना दी जाती है, उसके बाद स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो पहुंचते हैं, लेकिन जो अभी मीटिंग है वो बंद कमरे में शुरू हो चुकी है अभिभावकों की और प्रिंसिपल के बीच में और मीडिया को हालांकि इस मीटिंग से दूर रखा गया है, अंदर मीटिंग चल रही है। कुछ अभिभावक अभी यहां पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। आप लोग यहां पर प्रिंसिपल कहा जा रहा है कि आ गई अंदर? नहीं, अभी तक प्रिंसिपल नहीं आई है, अभी तक बैठे हुए हैं, बट प्रिंसिपल का आगमन अभी तक नहीं हुआ है। जो अभिभावक है उनको तो एक रूम में ले जाया गया, उनको एक रूम में ले जाया गया, उनको बैठाया गया है, बट अभी तक प्रिंसिपल नहीं आई है। तो हमारा यही कहना है कि स्कूल अथॉरिटीज से जल्दी हमारी बात करी जाए। हम सुबह 9 बजे से आए हुए हैं यहाँ पर और अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है हमें। इस तरह की घिनौनी हरकत स्कूल में होती है तो बच्चे कितने सुरक्षित आप देख सकते हैं? हमें तो लगता है हमारे बच्चे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और आज हम लोग इतना पीसफुल एजिटेशन यहाँ कर रहे हैं। हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि आप प्रिंसिपल को और हेडमिस्ट्रेस को बुलाइए, हमें सिर्फ उनसे एक सिंपली उनसे बात करनी है, लेकिन पिछले 3 घंटे से ज़्यादा हो गया है अभी तक कोई भी मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ आया नहीं है। पुलिस वाले भी प्रिंसिपल को बोल चुके हैं बुलाने के लिए लेकिन वो भी अभी तक नहीं आई है। सारे पेरेंट्स को एक रूम में बैठा दिया है और अब आप लोग बाहर कह रहे हैं कि प्रिंसिपल आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रिंसिपल नहीं आई है। पेरेंट्स रूम में बैठकर क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता।
लेकिन पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है कि प्रिंसिपल आ चुकी हैं और अंदर रूम में अब मीटिंग शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रिंसिपल अभी तक नहीं आई है जहाँ तक मुझे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं अंदर से ही अभी बाहर आ रहा हूँ फिलहाल। देखिए ये कुछ अभिभावक हैं जो कि बाहर खड़े हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल अभी नहीं आई है और इन अभिभावकों का यही कंसर्न है कि प्रिंसिपल आए, प्रिंसिपल अपनी सारी बातें उनके सामने रखें और इनकी परेशानी सुने और हरकत जो स्कूल में हुई है उसको। 3 साल की मासूम, उसको पता भी नहीं होगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और सवाल तो यही है कि स्कूल वो जगह है जहां माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित मानते हैं, लेकिन वहां भी अगर ऐसा होगा तो फिर कहां बच्चे महफूज होंगे। अब देखिए क्या ये डिजिटल रेप, मैं ये बताती हूं आपको, उंगली या अंगूठे से जबरन टच करना सहमति के बिना यौन उत्पीड़न डिजिटल रेप कहलाता है। अब यही बच्चे के साथ हुआ, पीड़िता के पास फिजिकली मौजूद होता था आरोपी और डिजिटल और रेप से बना है ये डिजिटल रेप। अंग्रेजी में डिजिटल का मतलब है अंक और इसी से ये जो और इससे जुड़ी हुई जानकारियां वो ये है कि शरीर के अंगों को भी डिजिटल डिजिट कहा जाता है और इसीलिए ये पूरा जो मामला निकल कर सामने आया है इसको डिजिटल रेप कहा जा रहा है। लेकिन इसके मायने क्या हैं ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बहराइच मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है, बहुत अहम बैठक है और हम आपको बताएं जो बैठक चली वो 45 मिनट बैठक चली है। सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं बहराइच हिंसा पर सीएम योगी की बैठक कई मायनों में अहम है, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है सभी बातों पर निगाह बनाए हुए हैं। सीएम योगी की बैठक में डीजीपी मौजूद रहे, 45 मिनट तक लगातार बातचीत होती रही कि क्या हो रहा है बहराइच हिंसा पर, अपडेट क्या है और मुख्यमंत्री इस पूरे मसले को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं और डीजीपी भी इस बैठक में मौजूद थे तो पल पल की जानकारी मुख्यमंत्री हासिल कर रहे हैं ताकि बहराइच में हो क्या रहा है और कैसे माहौल शांत है। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ बहराइच में योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, दूसरी तस्वीर है बुलडोजर एक्शन की तैयारी। लेकिन तैयारी से पहले लोग अपने सामानों को लेकर वहां से जाते हुए दिख रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकानें अवैध तरीके से बना रखी थी। तो न सिर्फ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं बल्कि मुख्यमंत्री एक्शन में भी हैं। यूपी के बहराइच में हुए भयंकर बवाल के बाद योगी सरकार बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर रही है। जिन घरों से पत्थर बरसाए गए थे उन घरों को तोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। प्रशासन अब अवैध घरों दुकानों पर लाल निशान लगा चुका है और किसी भी वक्त बुलडोजर गरज सकता है। पूरी खबर दिखाते इस रिपोर्ट में। बहराइच हिंसा के दंगाइयों का पूरा हिसाब किया जा रहा है। पहले पुलिस ने दंगाइयों का हाफ एनकाउंटर करके उन्हें लंगड़ा बनाया, अब आरोपियों के अवैध निर्माण भी लाल निशान के घेरे पर हैं। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान दंगाइयों ने हिंसा फैलाकर जो गलती की है उस गलती की दंगाइयों को ऐसी सजा मिलने जा रही है कि दंगाई और उनकी साथ पुश्ते भी याद रखेंगे। बहराइच के महाराजगंज इलाके में जिन घरों से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान पत्थर फेंके गए थे योगी सरकार उन्हें मिट्टी में मिलाने जा रही है। बहराइच पीडब्ल्यूडी विभाग और राजस्व विभाग ने हिंसा वाली जगह पर अवैध तरीके से बने घरों को चिन्हित कर लिया है। जिन घरों और दुकानों को तोड़ा जाना है वहां पर लाल निशान लगा दिए गए हैं और इन्हीं मकानों की जद में बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज और अब्दुल हमीद का घर भी आ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग और राजस्व विभाग ने 23 घरों में अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया है जिसकी म्याद आज खत्म हो रही है। महाराजगंज बाजार में लोक निर्माण विभाग के द्वारा 23 घरों में एक नोटिस चस्पा किया गया है और ये नोटिस मुख्य आरोपी के घर पर भी चस्पा किया गया है। 23 संख्या है जिन घरों को ये नोटिस जो है वो दिया गया है और इस नोटिस में मियाद 3 दिन की दी गई है जिसके बाद लोक निर्माण विभाग की तरफ से कार्रवाई जो है वो ध्वस्तीकरण की जाएगी। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि अवैध निर्माण के खिलाफ होने जा रही कार्रवाई का बहराइच दंगा और उनके आरोपियों से कोई लेना देना नहीं है और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई
सड़क चौड़ीकरण को लेकर की जा रही है, लेकिन ये बुलडोजर एक्शन बहराइच हिंसा के बाद हो रहा है, इसलिए अब प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मानक बिंदु ये रखा गया है कि इस सड़क के सेंटर पॉइंट से 60 फीट इधर और 60 फीट इधर जितना भी अतिक्रमण का इलाका है उस इलाके को खाली किए जाने को लेकर 3 दिन का वक्त दिया गया है, और 3 दिन बाद अगर आप स्वतः इस अतिक्रमण को नहीं हटाते हैं तो प्रशासन इस पर बुलडोजर एक्शन करने वाला है। गौर करने वाली बात यह है कि बहराइच में जिन 23 घरों को नोटिस जारी किया गया है उसमें 19 मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों के घर हैं, जबकि अतिक्रमण की जद में 4 घर हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों के भी चिन्हित किए गए हैं, और हिंदुओं के घरों पर भी अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया गया है। क्योंकि आज अतिक्रमण हटाने का आखिरी दिन है, प्रशासन की तरफ से जो समय सीमा दी गई है उसकी मियाद आज रात तक खत्म हो जाएगी, इसलिए माना जा रहा है कि 24 घंटे बाद जहां हिंसा हुई थी वहां बुलडोजर गरज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।